अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? सबको गाइस दिल से वेलकम है मेरे वीडियो पे। सबके सब गाइस, सबसे पहला काम जो होता है हमारा वीडियो पे आने के बाद जो सबसे पहला काम होता है गाइस, लाइक करना होता है और सब्सक्राइब करना होता है। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग खेल रहे थे बाबा जी अपना, ठीक है, अपने टीम के साथ। यार मैंने कहा मजे आएंगे, तो आए थे हम लोग नोवो गाइस। यहाँ पे दो बंदे आते भाई, दो बंदे थे बाबा जी, कान के नीचे लगाया और मैं भी बच गया। यार मेरे ना पिछवाड़े से ना खून इतना निकला साले का कि बस लास्ट मोमेंट भी बच गया, वो भी एसके से बाबा जी। अलग ना मरना यहाँ पे बाबा जी, खतरे में आ गई थी मेरी प्यारी सी लाइफ। मगर मेरे डीपी में ये देखो ना गाइस, डीपी और मशीन गन वगैरह का ना ये फायदा होता है कि लास्ट में अभी अगर M4 वगैरह होता तो मार जाना था मुझे भी। और क्या, लास्ट में 7 मिनट बचे आई गेस, तो मार दिया सैले को, टपका दिया, तो मजे आ गया बाबा जी। हमने कैसे कैसे यार अब मुझे मारू के, तो यहाँ पर मैं घूम रहे थे बाबा जी, मुझे मिली हेल्थ पैक थोड़ी बहुत गाइस, पश्तो में बात हुई है तो सॉरी गाइस। आप उसको सुन ले यार अभी, और क्या इग्नोर करे यार उसको प्लीज गाइस। तो वीडियो मैंने कहा यार रिस्पेक्ट कर रहा हूं, लास्ट में क्या बंदा था यार, बंदा आ रहा, बंदा आ रहा था एक बंदा कहीं यहाँ पे था और एक बंदा ना निकला, एक पीछे चला गया था गैस की ये पे था, हाँ पीछे चला गया था इनका लास्ट बंदा। हाँ आई गेस यहाँ पे था, हाँ यहाँ पे था बंदा, तो इनका लास्ट में देखो गैस वहाँ पे फायर आ रहा था। तो बाबा जी आबिद भाई ने उसको ना नेट से कान के नीचे लगाया बाबा जी, हमने कैसे कैसे अभी देखो ना गजमे लगता है जा रहा था, तो फायर हुआ मेरे पर भाई, अंधुन अंधा धुन फायर बाबा जी, अंधा धुन। एक तो अंधा मतलब अंधा मतलब उसने मेरे पर अंधा आंखें बंद करके फायर के ऊपर से धुन था, तो समझ जाओ ना अभी ने उसको नेट से नॉक किया अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, वरना जिंदगी खतरे में आ गई थी। तो एक बंदा यहाँ पे था, इसको मैंने कान के नीचे लगाया, यहाँ पे सामने सामने गज मेरी स्प्रे में सो गई, देखना ये देखो गज सामने मेरी स्प्रे में सो गई, बहुत मतलब शुक्र उसने पूरा नहीं किया वरना मेरे को बाबा जी। तो हमने कहा इसे कैसे बाबा जी, उसने अमीन भाई फायर किया लेकिन अमीन भाई बच गए, तो बाबा जी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, देखते छोटे तो फिर देखते। तो आबिद भाई ने उसको कान के नीचे दिया, बाबा जी मजे आ गए। तो फिर आबिद भाई की तरफ से कॉल आया, यार रिवाइव देम जस्ट बाय रिवाइव रिवाइव ब्रो, तो रिवाइव जी हमें क्या हुआ, क्या हुआ हमें पता है आप लोगों को, हम लोग जा रहे थे एक नूबड़े ब्रिज कैंपिंग कर रहे थे। अब इनकी ब्रिज कैंपिंग का तरीकेकार देखो गाइस, हालांकि होता तो ये ना कि हम लोग जा रहे थे वहाँ से, हम लोग फायर स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग गुजर गए थे फायर किया, वाह भाई वाह, सलाम है आप लोगों को सलूट पता नहीं कैसे अच्छी बन देते। तो कान के नीचे लगा बाबा जी, मैंने सोचा ना अगर फोन पे, मैंने कहा थोड़ा वो होल्ड करे ना हट जैसा है वैसे, मतलब सामने से हट जाए। तो फिर इस भाई साहब के ठांगे दिख रहे थे, भाई साहब को नीचे बहन जी की, बहन जी के ठांगे दिख रहे थे, करेक्टेड लड़की कहने से जैसे मैं बहन जी बोल रहा हूँ, दूसरी बहन को भी ठांगे दिख रहे थे, बहन जी शलवार नीचे करे ठांगे लगते थे, लोगों को नोकिया बाबा जी कान के नीचे लगाया और ऐसे क्रेट में से, इसके पिछवाड़े में से निकाला, क्या धुआं निकाला हमने, वो भी ग्रीन ग्रीन धुआं। तो बाबा जी क्रेट बनाया, इसका मजे आ गया हमें। फिर हम लोगों ने की मजे मजे की लूट, मजे मजे की लूट करने के बाद बाबा जी हम लोगों ने क्या किया, क्या किया हमने, क्या किया, हाँ हाँ हम लोग गए थे बाबा जी फ्लेयर को लूटने, तो फ्लेयर पे जाने के लिए गाइस क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए होती है जो कि मुझे मालूम नहीं थी, मुझे अभी दुबई ने बताया, गाड़ी लेके जा रहे हैं वो, हाँ तो हम लोग आए थे यहाँ पे ना गाइस, लाइक फ्लेयर पे गाड़ी में बैठा था वही में ना शहजाद भी नोक हो जाते, अमीन भाई ने ना शहजाद को इसलिए नोक किया, दो बंदे एक बंदा वहाँ पे थे, एक वहाँ पे तो कान के नीचे लगाया बाबा जी। यहाँ पे दो स्क्वाड्स होती है, एक आपको सामने दिख रहा होगा, लेकिन उनके स्क्वाड का लास्ट बंदा गाइस तो डायरेक्ट किल हुआ, जो बाकी दो बंदे थे गाइस वो पता है कहाँ आते हैं, अभी देखना गाइस मैं जैसे ही शहजाद भाई की रिवाइव दूंगा, तो रिवाइव रिवाइव मतलब जैसे कि ना मुझे चुप करना पड़ेगा, नहीं नहीं भाई मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं बोलता रहूँगा। तो रिवाइव होने के बाद बाबा जी हम लोगों ने पता है क्या किया,
सामने से आई गेस ओम का फायर है, हाँ मेरे ख्याल में हाँ ओम का फायर है। देखो बस, तो ओम का फायर आने के बाद लगे काफ़ी डेमेज किया, पता नहीं आज जितना बुरा दिन था गाइस स्प्रे काफ़ी मिस हो रहा था। अभी देखा गाइस डीपी भी हाक के देता हूँ मैं, तो दे देते कान, तो बाबा जी गाइस को भी कान के नीचे दिया। अलग स्क्वाड थी, वो अलग स्क्वाड थी, बाबा जी इनको मैंने मारा। मारने के बाद तो एक इनका लास्ट टीम था, वो ना ये भी होता है हम लोग मिस कर देते हैं उसको, हम लोग चले जाते हैं आगे। तो यहाँ पर होते हैं अमीन भाई नौ को जाते लास्ट नंबर होता है, मिल ही नहीं रहा था, तो हम लोग फन फन कर रहे हैं एक दूसरे पर, फायर शेयर कर रहे थे। तो इतने मैंने कहा अमीन भाई को नॉक कर दी थी अमीन ने, नॉक करने के बाद बाबा जी मेरे ट्राई की पूछने की, और हमारे बाहुबली साहब नंबर फोर यानी कि शहजाद भाई जी माखोर भी, उसने बोला यार मैं मारूंगा उसको। हमने कहा ठीक है, पता है क्या है प्लस के निशान, प्लस के निशान आने के बाद बाबा जी ने पूरा किल किया, उसने कहा यार ये मैच मैं ही जीतूंगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि यार उसका नाम है जील बादशाह। हाँ हाँ वाली फिर कान के नीचे लगा। मैंने यहाँ पे ना लाइक मैंने कहा यार आगे नहीं जाऊँगा, अगर उसने मुझे भी नॉक किया वो पीछे कवर में तो, और मैं काफ़ी ओपन में था तो सीने आउट हो जाएगा। अभी मैंने पीछे से कान के नीचे लगाया, बाबा जी रेट बनाया आप ग्रीन धुआं निकाल के। तो बस गाइस थैंक यू गाइस, बस आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते गाइस कल की वीडियो में इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही। तो अभी के लिए गाइस मेरी तरफ से सबको गाइस सबको सब सबको यार आप सबको लाइक करना प्लीज़ यार, अल्लाह हाफिज़ गाइस।